हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉट्स ऑफ कुर्ता, जो कि समर सीजन एंड ऑफिस वेयर प्लस कॉलेज वेयर के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ही बड़ा बैग है अमेजोन का, जिसमें पूरा भरा हुआ है, काफी हैवी हो गया है। बहुत सारी कुर्तियाँ हैं, मैंने गिनी नहीं है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं कुर्ती स्टार्ट करूंगी 199 के अंदर, जो मैंने ऑर्डर किया है। पहले वो वाला रेंज दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट आई हैव दिस क्रेप का व्हाइट एंड पिंक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। साइड में बाय द वे मैं वीडियो एंड स्क्रीनशॉट दोनों लगा लूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज द कुर्ती। ये बहुत ही प्यारी लगी, देखने में काफी रिच वाइब दे रही है। इसके साथ आप पिंक या फिर व्हाइट कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, काफ़ी सुंदर लगेगा। एंड मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत हल्का वाला क्रेप नहीं है, अच्छा खासा मीडियम क्वालिटी का क्रेप दिया हुआ है। एंड 199 में आपको क्या ही मिलेगा। सो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पीछे से ये प्लेन है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है। आगे से काफ़ी अच्छा एक पैटर्न दिया हुआ है। इस टाइप की कुर्ती ना मुझे डब्ल्यू वाली जो कुर्तियाँ आती ना उसकी वाइब देती है, क्योंकि उनका भी जो मटेरियल होता है काइंड ऑफ क्रेप का मटेरियल ही होता है, एंड पैटर्न भी वैसा ही कुछ होता है। सो ये कुर्तियाँ ना मेरे को उनकी ही कॉपी लगती है, बट इन अ बेटर प्राइस। मतलब 199 और 200 में आपको ये सारी कुर्तियाँ मिल रही है। सो और क्या ही चाहिए। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। सो जो दूसरी 199 के अंदर की कुर्ती है वो है ये बहुत ही प्यारी सी वाइन कलर की कुर्ती, जिसके ऊपर ना काइंड ऑफ बांधनी का जो प्रिंट होता है ना वो दिया हुआ है। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा चुलबुला सा लुक होता है ना, वैसा काइंड ऑफ का लुक मुझे लगा। इसके साथ आप कैसे भी ज्वेलरीज पहन लो, अगर आप वो छोटी वाली सिल्वर वाली जो झुमके आते ना, एकदम छोटे छोटे एकदम छोटे से होते हैं, वो पहनोगे ना इसके साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है। इसके साथ आप व्हाइट कलर का प्लाजो या फिर लेगिंग्स डाल लो, साथ में अगर आप चुन्नी लेते हो तो आप चुन्नी भी ले सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक भी काफ़ी यू नो नॉर्मल सा कट दिया हुआ है सर्कल। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाथ का भी लेंथ काफ़ी डिसेंट सा दिया हुआ है, 3/4 लेंथ ही है, यहाँ तक वाला नहीं है, यहाँ तक हाफ हैंड वाला ही 3/4 दिया हुआ है। बट ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसकी क्वालिटी सेम मटेरियल है जो मैंने पहले व्हाइट वाली दिखाई, सेम मटेरियल है। प्राइस वाइज इट्स रियली गुड। सो ये दो कुर्ती मैंने 199 के रेंज में मंगाए थे। अब हम यू नो 300-400 टिल 600 मैंने यहाँ पे कुर्तियाँ ऑर्डर किए, तो उन सबकी बात करते हैं। सो हियर आई हैव दिस ब्यूटीफुल व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन का कुर्ती। इसका कपड़ा बहुत जबरदस्त है। सो मुझे लगा नहीं था ऐसा टाइप का कुछ नो कपड़ा आएगा। काफी अच्छा प्योर कॉटन का कपड़ा दिया हुआ है, जो धोने के बाद भर जाता ना वैसा कपड़ा दिया है। कपड़ा भी थिक है। बात करते हैं इसके नेक के पैटर्न की, तो नेक पे काफी अच्छा ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरे ओवरऑल नेक के ऊपर। थोड़ा नीचे लेंथ अच्छा खासा दिया हुआ है, छोटे मतलब थोड़ा सा ही करके नहीं खत्म किया है, काफी अच्छा लेंथ भी दिया है वर्क का। हाथ पे आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा, 3/4 हैंड है, हाथ पे आपको बटन मिल जाएगा। एंड इसकी वजह से ना जो हैंड का लुक है वो काफी अच्छा लग रहा है। नीचे के साइड में जो बटन है वो दिया हुआ है। इसका लेंथ भी काफी अच्छा दिया हुआ है, लाइक घुटने से थोड़ा सा नीचे का लेंथ दिया हुआ है। सो ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा। पीछे से ये आपको प्लेन ही मिलेगा, पीछे कुछ भी आपको यू नो एक्स्ट्रा पैटर्न नहीं मिलेगा, पीछे पूरा का पूरा प्लेन दिया हुआ है। जस्ट आपको नेक के साइड में पैटर्न मिल जाएगा ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की पाइपिंग विद ब्लैक कलर का जो बटन है वो मिल जाएगा। सो ओवरऑल इट्स रियली गुड। एंड इसको मैंने अराउंड कुछ 400 या 500 के करीब का परचेस किया था, स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की। तो नेक्स्ट कुर्ती हियर आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइलैक कलर की कुर्ती। ऐसा लग रहा है ना कि पिछले 2-3 महीने से मैंने लाइलैक कलर एंड वाइन कलर बहुत ज़्यादा खरीद लिए, बिकॉज दिस कलर्स आर रियली गुड और पहने का बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी ना क्रेप मटेरियल में है, बट इसका क्रेप मटेरियल थोड़ा सा अलग है। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, नेक पे ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, साथ में ही मिरर का वर्क किया हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे यू नो फंक्शन में भी पहन के जा सकते हो, शादी वगैरह जैसे फंक्शन में भी पहन के जा सकते हो। कुछ भी ऐसा प्लाजो डाल लो थोड़ा अच्छा, एंड चुन्नी ले लो, बहुत सुंदर लगेगा ये ओवरऑल लुक। लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है, कपड़े में शाइन दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये ओकेजन के लिए परफेक्ट लगा मुझे। जिन लोगों को यू नो बहुत हैवी पहनना पसंद नहीं होता, कुछ लोग काफ़ी सिंपल रहना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पीस है इन यू नो परफेक्ट रेंज आई वुड से। ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
एंड पहनने पे भी काफी अच्छा है, समर के लिए अप्रोप्रिएट है एकदम। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की। तो यहाँ पे ना मैंने प्लेन कुर्ती भी एक ऑर्डर की है, कॉलर नेक वाली। लाइक ये कुर्ती ना मैं काफी टाइम से देख रही थी उस मॉडल को पहने हुए, जो अमेजोन पे यू नो रहते हैं मॉडल्स, उनको पहने हुए। तो मैंने सोचा चलो इसे ऑर्डर करते हैं, बिकॉज इस तरह की कॉलर वाली कुर्ती मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी। इसका रेंज अराउंड यू नो कुछ 300 to 400 के अंडर का है। ये मुझे काफी अच्छा लगा। लाइक इसके साथ ना ये सॉलिड कलर है प्लस मरून कलर भी है, तो इसके साथ ना जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती है नेक पीस वगैरह बहुत सुंदर लगेगा। ये मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा। इसका मटेरियल कॉटन का है, सो धोने के बाद ये भरेगा, वो यू नो दो तीन वॉश के बाद खराब हो जाता है, वैसा वाला कपड़ा नहीं है। साथ में हाथ आपको प्लेन मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा फोल्डिंग वगैरह नहीं मिलेगा जैसे कॉलर वाली कुर्तियों में नॉर्मल होता है वैसा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाथ में भी होगा, बट नहीं है, हाथ प्लेन है। कॉलर होने की वजह से मुझे काफी अच्छा लगा, एंड इसे थोड़ा सा फिटिंग वगैरह करा लेंगे ना तो ये काफी अच्छा लुक देने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की। सो नेक्स्ट हियर आई हैव दिस कॉटन कुर्ती, जो कि समर के लिए बहुत सही है, एंड इसे मैंने कुछ यू नो 200 to 300 के अंडर में परचेस किया है। तो नेक पे आपको ये पैटर्न मिल जाएगा जो कि एक लेस यानी कि बॉर्डर से बनाया हुआ है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में, एंड आपको यहाँ पे एक नॉट मिल जाएगा। सो नेक जो है वो काफी ऊपर है, मतलब नीचे नहीं है, बट ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। एंड आपको हैंड अगेन 3/4 मिल जाएगा दोनों साइड में। लेंथ इसकी काफी अच्छी है, ओवरऑल प्लेन ऐसे ही प्रिंटेड है आगे पीछे दोनों, एंड इस टाइप का कलर भी हर एक यू नो स्किन टोन के साथ अच्छा खासा चला जाता है। सो ओवरऑल ये मुझे काफी अच्छा लगा, और समर के लिए मुझे काफी यू नो बेस्ट लगा, बिकॉज ये काफी हल्का फुल्का है, मतलब हाथ में उठाने के हिसाब से आप समझ सकते हो काफी हल्का फुल्का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की। सो यहाँ पे तीन में थोड़ा सा 600 के ऊपर के रेंज का भी मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे काफी अच्छे लगे और वो काफी अच्छे आए भी हैं। बट उसके पहले हम बात कर लेते हैं कॉटन कुर्तियों की, जो कि दो बची हुई हैं अभी। तो नेक्स्ट कुर्ती आई हैव दिस ब्यूटीफुल येल्लो कलर, मतलब लेमन येल्लो कलर का कुर्ता है ये, और इस टाइप का कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी फ्रेश वाइब देते हैं, पहनने के बाद भी काफी खिलता है हर एक स्किन टोन के साथ। इसके ऊपर यहाँ पे नेक के ऊपर जो क्रूज का काम होता है ना, ऊनी क्रूज का काम, उसका लेस बनाया हुआ है और वही स्टिक किया हुआ है चारों तरफ एंड नेक वाले एरिया पे भी। हाथ पे भी आपको मिल जाएगा सेम जो लेस है वो। साथ में इसके ऊपर जो आपको व्हाइट प्रिंट दिख रहा है ना, ये रबर प्रिंट है, क्योंकि छूने से पता चल रहा है दिस इज रबर प्रिंट, एंड जिसकी वजह से ये और अच्छा लग रहा है। सो आई डोंट नो ये एक वॉश दो वॉश में निकलेगा या नहीं, अब ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा, बट स्टिल आई लाइक इट बिकॉज ये काफी अच्छा लग रहा है। पीछे आपको सेम डिजाइन मिल जाएगा, ओवरऑल प्रिंट जो आगे दिया हुआ है वही। सो ओवरऑल मुझे ये भी काफी अच्छा लगा, इसे भी मैंने कुछ अराउंड 400 परचेस किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की, जो कि मैंने बांधनी प्रिंट में ऑर्डर किया है, एंड बांधनी प्रिंट यू नो कभी फैशन से जाते ही नहीं है, ऐसा प्रिंट है ये, हमेशा फैशन में रहते। तो मैंने सोचा चलो एक और ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे मंगाए हुए बांधनी प्रिंट में। सो ये प्लेन ही कुर्ती है, बस नेक पे आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा जिसमें व्हाइट कलर के बॉर्डर्स लगे हुए हैं, एंड ये काफी अच्छा लग रहा है। बाय द वे ये भी साइज M में है, इसके पहले जो मैंने दिखाया था वो S साइज में है। तो आप अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो साइज चार्ट एक बार देख लो, क्योंकि हर एक ब्रांड का जो साइज होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो आप एक बार चेकआउट कर लो फिर ही ऑर्डर प्लेस करो। लेंथ वगैरह काफी अच्छी दी हुई है इसकी, पीछे पूरा आपको बांधनी पैटर्न ही मिल जाएगा। कलर मुझे काफी प्रिटी लगा इसका, रेड कलर ऑलवेज यू नो हैव अ हार्ट, बहुत सही लगता है रेड कलर। सो ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा, एंड गर्मियों के सीजन के लिए काफी बेस्ट है। इसको कॉलेज से लेके स्कूल कॉलेज ऑफिस या फिर एज वाले कोई भी लड़की है उसे ट्राई कर सकती है, काफी अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ते की, जो कि अगेन कॉटन मटेरियल में। सो यहाँ पे बेसिकली ना मैंने कॉटन मटेरियल पे ज्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज समर सीजन यू नो कॉटन के कपड़े बेस्ट होते हैं समर सीजन के लिए। सो हियर आई हैव दिस ब्लू कलर का कुर्ता, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, काफी सिंपल है बट क्लासी लुक दे रहा है पहनने के बाद। एंड ऑफिस वगैरह के लिए मुझे इस टाइप के ना जो प्रिंट होते हैं ना काफी अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं। सो ये स्ट्रेट कुर्ता है, एंड यहाँ पे आपको वी नेक का पैटर्न मिल जाएगा, हाथ आपको स्ट्रेट मिल जाएगा, नेक पे जो डिजाइन दिया हुआ है सेम डिजाइन आपको हाथ पे मिल जाएगा एज अ बॉर्डर, एंड पीछे आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा। सो और इट इज ऑल्सो गुड, एंड इसका कपड़ा प्लेन आई मीन कॉटन का है, सो इट्स रियली नाइस।
सब बात करते हैं आखिरी के तीन जो कुर्ते हैं वो थोड़े से यू नो 600-700 के रेंज में है, बट ये काफी अच्छे हैं, ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। सो हियर आई फर्स्ट इज ब्लैक कलर का कुर्ता। तो ब्लैक कलर के कुर्ते हो गए, टॉप्स हो गए, काफी अच्छे लगते हैं। प्लस यू नो इंडियन वेयर ब्लैक कलर में बहुत सुपर लगता है, एंड मेनली अगर वो जॉर्जेट मटेरियल में हो तो। सो दिस इज इन जॉर्जेट मटेरियल एंड ये मैंने कुछ 690 और 680 में कुछ परचेस किया है, स्क्रीनशॉट से आप देख लेना प्राइस। इसके ऊपर स्ट्रेट रेड कलर का ऐसा यू नो डिज़ाइन दिया हुआ है एंड इसके अंदर ना ऐसे मोती राइनस्टोन्स लगे हुए हैं जो यू नो शाइन कर रहे हैं। इसका पैटर्न काफ़ी सिंपल रखा हुआ है बट ये पहने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा स्ट्रेट, जो जॉर्जेट पे ही आई थिंक कढ़ाई की हुई है। येस ये कढ़ाई की हुई है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा लेस नहीं लगाया है, कढ़ाई ही की हुई है। हाथ पे भी आपको सेम कढ़ाई मिल जाएगी दोनों भी हाथ में। सो ये जॉर्जेट मटेरियल में होने की वजह से मुझे काफी अच्छा लगा, प्लस इसमें अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस एंड पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लैक कलर का कुर्ती फ्रॉम गोश्री की एनी डिजाइनर। आपको गोश्री की के बहुत सारे कुर्ते या फिर सेट्स देखने के लिए मिलेंगे अफोर्डेबल रेंज में, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करो। सो बात करते हैं इस कुर्ते की, तो मैंने इसे रेड कलर में मंगाया था और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे ये भी अच्छा ही है बट वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पता नहीं कैसे उन्होंने ये वाला भेज दिया है। एनीवेज ये काफी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर यू नो ऐसा वर्क किया हुआ है, थ्रेड का वर्क किया हुआ है ओवरऑल नेक के ऊपर एंड गले के ऊपर भी। साथ में ही हाथ आपको प्लेन मिल जाएगा 3/4 और पूरे ओवरऑल इसमें आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा एंड जो धागे का वर्क किया हुआ है ना चेस्ट पे आई मीन नेक के ऊपर, वहाँ पे सेम आपको ये वर्क ओवरऑल कुर्ते में मिल जाएगा। पीछे आपको प्लेन डिजिटल प्रिंट ही मिलेगा। सो ओवरऑल ये भी मुझे मतलब अच्छा ही लगा, बट रेड वाला होता तो मे भी बात कुछ और होती, ये भी मतलब ठीक ठाक लगा मुझे एनीवेज। बट अगर आपको इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन पसंद है तो इट्स गुड, क्योंकि इसका कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा है, हैवी कपड़ा है, जॉर्जेट मटेरियल है, प्लस इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है। मैंने जो मंगाया था वो नहीं आया इसलिए मुझे ये उतना है ना जमा नहीं, अदरवाइज इट्स रियली गुड। अब बात करते हैं हमारी आखिरी कुर्ती की, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ, अभी एसी चालू करेंगे तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। बस लास्ट कुर्ता है अब हमारे पास। सो यहाँ पे ये कुर्ता है ना अनारकली का यू नो लुक एंड फील देगा, बिकॉज ये आगे से ना आगे से एंड पीछे से चुन दिया है एंड साइड से कट दिया हुआ है। सो ये कुछ इस तरह का है एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पता नहीं क्यों बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन एंड जो भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है ना काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको पिंक चिकू कलर एंड और भी एक दो कलर मिल जाएंगे। सो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन पिंक एंड दिस, तो मैंने बोला पिंक यू नो पिंक ब्लैक एंड देन रेड बहुत होता है तो लेट्स गो विद दिस कलर। सो ये काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें ना आपको इस तरह का ही कलर मिलेगा, लाइट वाला, डार्क वाला नहीं मिलने वाला है। नेक पे आपको इस तरह का एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल आपको प्लेन मिलेगा पूरा वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। साइड में आपको इस तरह का रूप मिल जाएगा जो आप पीछे से बांध सकते हो या फिर आगे से बांध सकते हो, जैसे मर्जी आपकी वैसे बांध सकते हो। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ में हाथ में आपको इस तरह का लेस मिल जाएगा जो कि यहाँ पे नेक पे लगा हुआ है, दोनों हाथ में मिल जाएगा। सो इसका लेंथ वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा थिक दिया हुआ है, आप समर विंटर किसी भी सीजन में इसे आराम से पहन सकते हो। सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस। सो यहाँ पे हमारा सारा कुर्ता मैंने शो कर दिया है आपको एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कुर्ता पसंद आया एंड अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।